धनतालाब घाट पर गोवंश से भरे वाहन के पकड़े जाने के बाद कार्यवाही को लेकर विश्व हिंदू परिषद और हिंदू संगठन के लोगों द्वारा काटाफोड़ बस स्टैंड पर चक्का जाम किया गया। विश्व हिंदू परिषद के प्रांत गोरक्षा प्रमुख रामविलास जाट ने जानकारी देते हुए बताया कि धनतालाब घाट पर हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने एक गोवंश से भरी हुई आयसर पकड़ी, जिसमें 44 गोवंश भरे हुए थे। कार्यकर्ताओं को देखकर वाहन चालक और साथी मौके से फरार हो गए। कार्यकर्ताओं की सूझबूझ से एक साथी पकड़ा गया। कार्यकर्ताओं ने बिजवाड़ पुलिस चौकी को सूचना दी। दोपहर में हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने एकत्रित होकर गोवंश को देखा, जिसमें कुछ घायल तथा कुछ मृत थे, जिससे आक्रोशित हिंदू संगठनों ने कार्यकर्ताओं ने पुलिस कार्यवाही असंतुष्ट होकर बस स्टैंड पर चक्का जाम कर दिया। चक्का जाम के दौरान काटाफोड़ थाना प्रभारी के एस परस्ते द्वारा समझाइश दी गई। आरोपियों पर विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया। वाहन पर भी राजसात की कार्यवाही करवाई जाएगी, जिसे संतुष्ट होकर हिंदू संगठन के लोगों द्वारा चक्का जाम खत्म कर दिया गया। सतवास से संजय परसाई की रिपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।